हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। नो कन्फ्यूजन, ओनली सॉल्यूशन। तो बच्चों, मैट्रिसेस में हम लोगों ने शुरू किया था एक्सरसाइज 3.2, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। उसी के आगे आज क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ। आई होप आप लोगों ने इससे पहले जो भी पढ़ाया अच्छे से समझ लिया होगा और वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है, चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाएं और वीडियो को देख लें, अच्छे से अपनी तैयारी बरकरार रखें। तो बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताना, कन्फ्यूजन यहाँ होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, आप सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिया है, 3 में जितने भी दिया है ना, सारे प्रोडक्ट ही दिया है। वैसे इसके पहले वीडियो पर भी हम, इसके पहले जो 2 वीडियो बने हैं, 3 वीडियो, उन सभी पे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए बुक में क्या होता है, बार बार उस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आज हम 3 क्वेश्चन में केवल प्रोडक्ट ही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से लेकर 6 पार्ट तक है, हम बारी बारी से इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए, हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, याद रखना अगर 2 मैट्रिसेस हैं तो जो पहले मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, दूसरे मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो सेम होगा, तब भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा तरीका बताया था कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका रो लेंगे और दूसरे वाले के कॉलम में उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं जोड़ते हुए। कैसे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस। हर बार प्लस लगाएंगे वो अलग बात है, वहाँ पे माइनस मिल जाता है तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बी है और इस बी का किसे मल्टीप्लाई होगा, इस बी में, याद रखना इसका रो और दूसरे का कॉलम, इसी के रेफरेंस में हम लेते हैं। तो बी का बी में क्या कितना आया, बी स्क्वायर सेम। अब इसको दूसरे कॉलम में जाएंगे तो a का माइनस b में किया माइनस ए बी, और b का a में किया कितना आया, प्लस ए बी। अब ये हो गया ना रो, अब दूसरा जो रो है ये वाला, इनके कॉलम में इसी तरीके से बारी बारी से जाएगा। माइनस b का a में करोगे तो माइनस ए बी, प्लस इस a का b में करोगे तो प्लस ए बी। बिल्कुल इसी तरह माइनस b का माइनस b में करोगे तो बी स्क्वायर, एंड a का a में करोगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज जीरो जीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट डजेंट मैटर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ये बगल में आपके लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप देखिएगा कैसे करेंगे, जो यहाँ पे एक ही कॉलम है और एक ही रो है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हम इसका रो और इसके कॉलम पे जाते हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4, इसी तरीके 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 2 इंटू 4, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे। चलो तो फिर अगली लाइन में क्या है, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड ये 4, ये 6 और ये 8, दिस इज 6 9 12। ये देखिए दोनों पार्ट बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गए ना। तो चलिए इसी तरह से अगले 2 पार्ट देखते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट आपके सामने है, हर पार्ट में ऑर्डर कुछ ना कुछ अलग आपको नज़र आ रहे हैं मैट्रिसेस के, वो आपको सीखने के लिए है कि देख लीजिए किस तरह का ऑर्डर में आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी उसी तरीके, ये रो है हमारा और ये क्या है, कॉलम है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 का पहले 1 में करूँगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर प्लस लगाया इस माइनस 2 का, 2 में माइनस 4 हो गया, ठीक। फिर इसको ये दूसरे कॉलम में जाएंगे, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस माइनस 2 इंटू 3 कितना, माइनस 6 हो गया। फिर ये लास्ट वाले में जाएंगे, 1 इंटू 3 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ अब इस वाले के लिए देखेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9
टू इंटू थ्री नाइन सॉरी सिक्स एंड थ्री इंटू वन थ्री। बस इसको अब ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज प्लस माइनस माइनस, वन माइनस फोर माइनस थ्री एंड टू माइनस सिक्स माइनस फोर, थ्री माइनस टू वन, टू प्लस सिक्स एट, फोर प्लस नाइन थर्टीन एंड सिक्स प्लस थ्री नाइन। ये देखिए आसान है ना बिल्कुल। चलो फोर्थ वाला देखते हैं फिर। यहाँ तो कोई एकदम बिल्कुल सेम, दोनों ही मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको चलना है। तो देखिए टू इंटू वन टू प्लस थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। अब इस कॉलम पे आएगा टू इंटू माइनस थ्री सिक्स एंड थ्री इंटू टू सिक्स एंड फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो। फिर लास्ट वाले में टू इंटू फाइव टेन, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व एंड फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ठीक है। अब इसके लिए आ जाइए तो थ्री इंटू वन थ्री प्लस फोर इंटू ज़ीरो ज़ीरो एंड फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन। सेम इधर वाले के लिए थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन बिकॉज माइनस लगा है एंड फोर इंटू टू एट, फाइव इंटू ज़ीरो ज़ीरो एंड लास्ट वन, एक सेकेंड ये छूट गया क्या, थ्री इंटू थ्री नाइन एंड फोर इंटू टू एट, फाइव इंटू, सही है। अब लास्ट वाले में थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी एंड सिक्स इंटू फाइव थर्टी, ठीक है। अब लास्ट ये वाला है तो फोर इंटू वन फोर प्लस फाइव इंटू ज़ीरो ज़ीरो एंड सिक्स इंटू थ्री एटीन। बिल्कुल इसी तरीके से इसको इन दोनों में भी लेके जाना है तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, माइनस लगा है सो माइनस ट्वेल्व, फाइव इंटू टू टेन एंड सिक्स इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी एंड सिक्स इंटू फाइव थर्टी, ठीक है। ये देखिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब ये ऐड कर दें, ट्वेल्व प्लस टू हाउ मच फोर्टीन एंड सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो एंड ये तो तीनों ही प्लस में है तो कितना आ गया, फोर्टी टू आ गया। फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एंड ये एट माइनस नाइन माइनस वन एंड दिस इज सिक्सटी फाइव। 18 प्लस 4 22 एंड 10 माइनस 12 माइनस 2 एंड दिस इज 40 प्लस 30 दिस इज 70, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इसके लास्ट टू पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑर्डर दे करके आपको दे रहा है ताकि आप कॉन्फिडेंटली इसका जो रूल है अच्छे से समझ लें, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है। तो चलो फिफ्थ पार्ट सबसे पहले देखते हैं, इसका ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, इसी को लेके हमें मल्टीप्लाई करना है तो टू इंटू वन टू एंड वन इंटू माइनस वन माइनस वन। अभी आप सोचो कि बीच में तो प्लस लगाते थे, यहाँ भी प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर आगे माइनस मिल गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर इसके लिए करेंगे टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो एंड वन इंटू टू टू, फिर लास्ट वाले के लिए टू इंटू वन टू एंड वन इंटू वन वन। अब यही काम इसके लिए करेंगे, थ्री इंटू वन थ्री एंड टू इंटू माइनस वन माइनस टू, थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू इंटू वन टू। अब ये वाला तो वन इंटू वन वन एंड वन इंटू माइनस वन माइनस वन, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो एंड वन इंटू टू टू, वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू वन वन, ठीक है। भाई देखो ये रो है और ये कॉलम है, पहले इन दोनों का इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, इसके बिल्कुल सेम इन दोनों के लिए भी अगले स्टेप में किया गया है, ठीक है। अब आप ज़रा देखो यहाँ पे टू माइनस वन वन एंड ज़ीरो प्लस टू टू, टू प्लस वन थ्री एंड थ्री माइनस टू वन दिस इज फोर फाइव ज़ीरो टू टू, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में भी देखो फिर एक नया ऑर्डर आपको मिल गया, तो ये रो और ये कॉलम ऐसे ही चलना है ना। तो देखिएगा थ्री इंटू टू दिस इज सिक्स एंड माइनस वन इंटू वन वन यानी कि माइनस वन एंड थ्री इंटू थ्री नाइन, ठीक है। फिर इसी तरह इसके लिए थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो एंड थ्री इंटू वन थ्री। अब सेम इसके लिए यही कर देंगे, माइनस वन इंटू टू माइनस टू एंड ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो
एंड 2 × 3 = 6, −1 × −3 +3 एंड 0 × 0 = 2 × 1 = 2। ये ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 + 6 = 15, 15 − 1 = 14 एंड 3 − 9 − 6, 6 − 2 = 4 एंड 3 + 2 = 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथमेटिक्स की तैयारी इस चैनल पे बढ़िया से करते रहें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।